जिस देश में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया हो, घुसखोर आदमी अपने को बहुत बड़ा सभ्य सुसंस्कृत और तेज तराज समझने लगा हो, समाज में उसकी प्रतिष्ठा मिलने लगी हो, जिस देश में चोर को, डकैत को, गुंडा को, पंचवर्षीय योजना को हड़प जाने वाले को प्रतिष्ठा मिलने लगा हो, उसे सम्मानित व्यक्ति समझने जाने लगा हो, उसे क्या तुम उम्मीद करेगा उस देश से, उस परिवार से? आज देश की वही सी विषम परिस्थिति में पहुंच गया है। इसलिए तुम अपने आइडियोलॉजी के साथ बढ़ो, अकेला चलो रे, आइडियोलॉजी के साथ चलो, अपने कम से कम कफन गिरा दो, अपने जीवंत हो जाओ। जब तुम जीवंत हो जाएगा तब तुम दूसरे में भी प्राण फूंक सकता है। एक मुर्दा मुर्दे में प्राण नहीं फूंकता है बंधु, एक जीवंत ही मुर्दे में प्राण फूंक सकता है। इसलिए तुम जीवंत हो जाओ और जीवंतता जब तक से नहीं आती है तब तक से तुम्हें इस योग में, ध्यान में अनवरत लगे रहना होगा। घबराओ मत, यह मत सोचो कि फलाना को यह अभी हो गया हमको नहीं हो रहा है, इसको वैसा हो गया उसको नहीं हो रहा है। पेशेंस, धैर्य की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है। यह कैसे जानता है कि वह कितने जन्म से चला है? जानता है वह कितने जन्म से चला है, वह कितने समय से चला है, तुम कम से चला है, यह आप निर्णय नहीं ले सकता है। उम्र छोटा है लेकिन कितने जन्म से चला है, उम्र ज्यादा है तू अभी से यात्रा शुरू किया है। इसलिए धीरज धर्म मित्र नारी आपत्काल परीक्षेचारी, इसलिए धीरज धर्म से काम लो। स्वधर्मो निधनम श्रेय पर धर्म भयावह, यदि तुमको ठीक ठीक सच्चा धर्म मिल गया, तुम अपने स्वभाव में स्थित हो गया और स्थित होकर के शरीर भी छोड़ दिया तो घबराने की बात नहीं। अगला जन्म जब होगा तो तुम वहाँ से स्टार्ट करेगा, अपने ठीक ठीक से स्टार्ट करेगा। यदि तुम अभी पर धर्म में है, गलत धर्म में है, गलत आचरण में है, तब तू बड़ा भयावह है। यदि मर भी गया तो वहां से शुरू करेगा, गलत दिशा में जाएगा, तुम्हारा गलत दिशा का डायरेक्शन लगातार बढ़ते जाएगा और तुम अनंत में भटकाव में गिर जाएगा, यह समझ लो। और तुम यदि ठीक दिशा में चल ही दिया, शरीर छोड़ दिया, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगला जन्म में तुम्हारी यात्रा वहां से आगे प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए यह तो जन्मों जन्म का खेल है। धीरज से काम लो, धैर्य से काम लो। तुम लोग जानते हो, बद्रीनाथ गया होगा तो जानता है, नर और नारायण भी तपस्या किए हैं, जानता है ना। नर के रूप में ही अर्जुन का अवतरण हो रहा है और नारायण ही कृष्ण के रूप में अवतरण हो रहा है, वे भी वहाँ तपस्या किए हैं, ध्यान किए हैं। लेकिन दोनों ध्यान किए, दोनों सगे भाई ही थे, वहाँ दोनों सगे भाई हैं, लेकिन एक नारायण के रूप में लिया और एक जो है शिष्य अर्जुन के रूप में लिया। दोनों तो बराबर नहीं हुआ ना, हो तो जाना चाहिए बराबर। वहाँ भी दोनों सगा भाई है, यहाँ भी दोनों की सम उम्र है, दोनों राज परिवार में आया है, यहाँ तो बराबर हो जाना चाहिए था। इसलिए लेकिन गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन लगे बिन काज न सरी हैं। अर्जुन का लगन लगा है, कृष्ण से लग गया है, लग गया है तो निकल ही जाएगा। देखो मैं अभी एक साइकोलॉजिस्ट की बात बता रहा हूँ, अभी एक आदमी के जीवन पर अनुसंधान किया गया। एक व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी था, नाम नहीं बता रहा हूँ इसलिए कि जिंदा है, बहुत बड़ा व्यापारी है। उसका जो नौकर रखा है ड्राइवर,
वो भयंकर ड्रंकर है, पियक्कड़ है, सारा देश का अवगुण उसमें भरा है। लेकिन वह जो उद्योगपति है उस ड्राइवर के बिना रह भी नहीं सकता है, उसको वह पैसा भी देता है, जाओ पियो, जाओ वैसे आगमन करो, जाओ जो यह खाओ, जो खाना है खाओ, समझ है या? वह खाता भी है, पीता भी है, इसके पैसे ऐश भी मारता है। लेकिन इसको समझाया जाता है क्यों देता है पैसा से, उसको कहता है पता नहीं मैं क्यों देता हूँ। जब दोनों का यह पिछला जन्म देखा गया, पिछले जन्म में ले गया गया, तो देख रहा है कि पिछले जन्म का यह दोनों सगा भाई है, और पिछले जन्म में भी यह जो अभी उद्योगपति बना है यह पुण्य आत्मा था, अच्छा काम करता था, आमदनी का अपना पैसा निकालता था, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में गुरु के यहाँ पहुँचाता था, और यह पिछले जन्म में भी यह पैसा इसका चुरा करके, अपने भाई का चुरा करके ये जाकर पी आता था, जिसका परिणाम हुआ कि यह जो है बड़ा उद्योगपति बन गया है, और यह परिणाम हुआ कि यह जो है शूद्र योनि में जन्म लिया, और यह जा करके यह पीने लगा, और इसके पीने की कला बढ़ गई। लेकिन दोनों का पुछला जोड़ था, ड्राइवरी सीख गया, इसलिए इस ड्राइवर को ही रखा, वही रखा, और इसको जाना कहीं हो जाता तो उसी ड्राइवर के साथ जाएगा, कहा कि हम सब पर विश्वास नहीं है, पिता है ठीक है लेकिन हमको यही लेकर जाएगा। दोनों को पा लिया गया कि दोनों पिछले जन्म के सगे भाई। इसलिए कैसे कहा जाए, सॉल एनिमी एंड सॉल मेट, यह बहुत जन्मों का खेल है, जन्मों जन्म से चल रहा है, इसलिए घबराओ मत, लगे रहो, लेकिन अपने को सुधारो, अपने मुर्दापन को सुधारो, घबराओ मत। तुम सोचेगा कि नहीं उसको ऐसा हो गया हमको ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं, अनंत से तुम चले हो। यदि तुम्हारे बारे में कोई तुम कुछ कहता भी है, डांटता है, छिद्रावेशन करता है, तुम्हारी बुराइयों को प्रकट करता है, उसे तुमको अपने में सुधार लाना चाहिए। कोई तुम्हारी बुराइयों को यदि प्रकट भी करता है शिक्षक, तो इसलिए नहीं करता है कि तुमको खराब निगाह से देखने के लिए, इसलिए वह करता है कि तुम उसे सजग हो जाएगा, बच जाएगा और बाहर निकल जाएगा। डॉक्टर एक्सरे करता है किसी का और कहता है कि नहीं तुम्हारे पेट में अल्सर है, रोग है, क्या तुम्हारी बुराई करने के लिए निकालता है, शिकायत करता है, या उस रोग को दुख को हटाने के लिए वह ऐसा कहता है? यदि एक्सरे न करें, कह दे कि नहीं नहीं ठीक है, वह रोक के शुगर है, कह कि नहीं कुछ नहीं, खूब मिठाई खाओ, जाओ फर्स्ट क्लास हो, यदि तुम्हारी बड़ाई तो कर दिया, लेकिन तुम्हारे लिए वह जानलेवा सिद्ध होगा ना। इसीलिए गुरु को, वैद्य को और मंत्री को कभी मीठे बाल बोलने वाला नहीं होना चाहिए, हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं होना चाहिए। यदि हाँ में हाँ मिलाया, मीठा करा, तुष्टिकरण का नित किया, तो तुम्हारा जो है वहां पर नाश निश्चित। तीनों को कड़क होना चाहिए, डॉक्टर हो ना, डॉक्टर तुम लोग हो, कड़क होना चाहिए और रोग के बारे में ठीक ठीक स्पष्टीकरण देना चाहिए, और सदगुरु क्या बात है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यही नहीं विषय करासा। सदगुरु तो वैद्य, वो सदगुरु भी वैद्य होता है, और वह जो है उसकी जो है बात को, उसकी दवा को विश्वास से, श्रद्धा से ग्रहण करना पड़ता है। विश्वास और श्रद्धा से ग्रहण कर लिया, यही उसका संयम है, तब तब तुम्हारा उद्धार निश्चित है, यह डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। हम यह कह रहे थे कि ईश्वर विद्या से तुम लोग अपने भूत को भी देख सकता है, पिछले जन्म को भी देख सकता है, आने वाले भविष्य को भी देख सकता है, लेकिन इसके अनुरूप आपको बताया कि मौनता के अनुसार मौनता में भी गुजरना होगा। बुद्ध की मौनता बताए और फोर्ड के मैनेजर की भी मौनता बताए,
तुम लोग देखते हो गुरु जी अब चले गए, तो चलो अब पीछे तब पीछे आते हो, अच्छा चलो अब चलना चाहिए। आता है ना, कहीं कहीं बैठकर गप मारते रहता है, गुरु जी की नज़र पड़ जाती है, पहले से आकर बैठा वो भी पड़ जाती है, यानी धैर्य नहीं है। हम अपने में धैर्य खो देते हैं। जब तक से तुम धीरज धर्म नहीं अपनाएगा, धीरज धर्म, तब तक से यह विद्या भी बड़ा कठोर हो जाएगा। बहुत धैर्य की जरूरत है। हम कष्टों से भी नहीं घबराना चाहिए। लोग क्लास में, मैं बोल रहा था, ले रहा था क्लास में, कि सब हम लोग जाते हैं, हम लोग भी देखते हैं अकेला आते आते कोई आदमी जेब में पहुंचेगा, अपने कष्ट एक खांची कहेगा। यदि सुन लो एक कोई बात हो तो उसकी हो जाएगा। जो जितना उम्र ज्यादा है उसके पास ज्यादा और कष्टों की झमेला है, जानता है कि नहीं। वह अपना कहेगा, फिर अपने लड़के का कहेगा, फिर अपने पोते का कहेगा, फिर अपने पोती का कहेगा, फिर प्रपोता का कहेगा। जितना वह उसका बढ़ते जाएगा, संसार तेरी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा कष्ट। वृद्धावस्था आते आते उसका जो है कष्ट घटेगा नहीं। तुम लोग समझते हो कि चौथेपन में हम कर लेंगे, यह नहीं, उसका फैलते जाता है कष्ट, फैलते जाता है। मोह सकल व्याधन कर मूला, है ना जी। देखो इस पंडित जी से पूछो, बगल में पूछो, शर्मा से पूछ, बढ़ते जाता है, घटता नहीं है। इसीलिए सारे भगवान को देवता का उम्र किशोरावस्था दिखाया गया है, ऋषियों का उम्र दिखाया गया वृद्ध, लेकिन सारे देवता देवी का किशोरावस्था क्यों बनाया गया? क्या किशोरे थे? इसलिए किशोरावस्था ही त्याग का अवस्था है, तपस्या का अवस्था है, यही अवस्था बलिदान का अवस्था है, यही अवस्था कुछ कर लेने और कर गुजरने की अवस्था है। शरीर क्षीण होता है, मन तेज बढ़ने, मन चंचल होने लगता है, यह उल्टा है। शरीर क्षीण होगा, इंद्रियाएं क्षीण होगी, कमजोर होगा, चित्त वृत्तियां चंचल होगा, मन चंचल हो जाएगा। चंचल मन के अधम काम, भज मन राम राम। चंचल मन जब जो भी करेगा वह अधम काम करेगा, पाप पूर्ण काम करेगा। इसलिए कहते हैं चंचल मन के अधम काम। शंकराचार्य भी कहते हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़ मते। काशी में देखे एक वृद्ध ब्राह्मण धातु रट रहा था, उसको कहे कि अब धातु रट कर क्या करेगा, जबकि शंकराचार्य वह निरंकार के भक्त थे, अद्वैतवादी थे, लेकिन उसको कह दिए कि भज गोविंदम मूढ़ मते। अब बुढ़ापा में क्या तू यह रट रहा है, गोविंद गोविंद भजो। अद्वैत की दीक्षा शिक्षा नहीं दिए। और कबीर साहब इसी को कहे हैं चंचल मन के अधम काम, भज मन राम राम। यदि मन चंचल है, इसलिए यहाँ पर राम राम का भजन कराया जा रहा है ना, और एक साल के लिए वहाँ व्रत दिया गया। चंचल मन है, चंचल मन मानता नहीं है। ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन शुद्ध ठगाहार। ये मन तो अपने में शुद्ध है ना, चंचल भी है, चोर भी है, और ठगहारी में शुद्ध है। तुमको जन्मों जन्म से ठगते जा रहा है, और फिर अगले जन्म के लिए आश्वासन भी दिए जा रहा है। अभी ऐसा हो गया ना, अब मैं ऐसा कर दूंगा, घबराओ मत। यह प्लानिंग मुफ्त में बनाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुफ्त में बनाता है। चलो यह कर लिया ना, चलो अब यह कर लो, कर लो। आजकल सबसे सस्ता सौदा हो गया है। कोई आदमी किसी के यहाँ जा रहा है, अपने दुख कहेगा, तो वह कह देगा तुम पर पितृदोष है। सबसे सस्ता पितृदोष है, तो हाँ तुम पर पितृदोष है। कहेगा हाँ हमको भी मालूम होता है, काम धंधा नहीं चलता है, तुम्हारा काम बांध दिया गया है। अंधे को आँख चाहिए, अंधे का गुरु अंधा। अब पता नहीं कौन बांधने की कला है, हमारे यहाँ भी आता है, हमारे गुरु जी काम बांध दिया गया है, बांध दिया गया तो खोल दे। हमारा काम कैसे खोलें, हमने कौन बांधा है ये भी नहीं जानते हैं, कैसे बांध दिया है। अरे मूर्ख कहीं का, कम में बांध दिया गया। लेकिन बांध दो ना सोनिया गांधी को, जाकर बांध दो, मनमोहन सिंह को बांध दो, विरोधी पार्टियों को बांध दो, लोकसभा में बहुमत पास करा लो। कौन कहे मूर्ख को, हमारे यहाँ भी आते हैं बहुत,
अच्छे अच्छे लोग, पढ़े पढ़े विद्वान विद्वान लोग, मैं क्या कहूँ उनको, तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। गुरु जी हमारा, आप मानते नहीं ना है, लेकिन हमारा कमवा बांध दिया गया है। आता है ना, अब हम भी कहना सीख गए हैं, कहें कि यही विश्वास करेगा। अब आता है रोता है, तो तुम पर पितर दोष है, फिर रोएगा हमारा काम, तुम्हारा काम बांध दिया गया है। हाँ हाँ गुरु जी, आप तो एकदम त्रिकालदर्शी हैं, जान गए। अरे मूर्ख कहीं का, हम जानते होते हैं नहीं, नहीं, लेकिन तुम्हारी मूर्खता को हमने थोड़ा चादर ओढ़ा दिया, अपने मन में कहते हैं तुम्हारी मूर्खता को हमने चादर ओढ़ा दिया, लेकिन अब बात खुल गई ना, बात सच बात, और इस पर विश्वास कर जाएगा। लाख हम एक घंटा इस तर्क देकर समझाएंगे, इस पर एक मिनट विश्वास नहीं करेगा, नहीं गुरु जी ठीक नहीं जानते हैं। अभी आज पेपर में पढ़ रहा था, एक आदमी जिसका व्यापार नहीं चलता है, एक तांत्रिक मुसलमान का उसका सिर्फ, कि आज पेपर में देखा गया, उसके यहाँ कुछ नहीं है, वो कहा कि ठीक है हम तुम्हारा काम बांध दिया गया है, तब खोल दो ना, 2.5 किलो सोना लाओ। हम तो तुम लोगों से 2.5 किलो सोना मांग नहीं सकते हैं ना, तुम दे भी नहीं सकता, और 2.5 किलो सोना के लिए अपने हित नाता का सब जेवरात बटोरा, उसे भी नहीं किया, ठगी किया, और 2.5 किलो सोना उसके यहाँ पहुँचाया, आज के पेपर में था, और वह तंत्र मंत्र 2.5 किलो सोना लेने के बाद वह तंत्र करने लगा इसे काम चलाने के लिए। इसके बाद नहीं चला तो पुलिस स्टेशन में काम चलाने के लिए गया, पुलिस धर पकड़ की तांत्रिकों के, कि तुम्हारा काम चलता है क्या? कहा कि हमारा काम चलता, हम तो अपने बेरोजगार हैं, 2.5 किलो सोना लेकर अपना काम चलाने के लिए। कहा कि देख ठग का गुरु, ठग, तुम अपने जाते हो कि भाई एक अठनी का 4 अठनी बना दीजिए, कौन दोषी है, कौन ठग है? तुम तांत्रिक ठग है या नहीं है, लेकिन तुम पहले ठग हो गया ना, कौन से विद्या है कि एक अठनी का 4 अठनी बनेगा, है कोई विद्या? लेकिन तुम जाते हो कहते हो तांत्रिक ठग लिया, अरे ठगाने, तुम खुद उसको इनवाइट कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि खुद ठग की है। इस तरह से यह समझो हम खुद दोषपूर्ण हो गए हैं। जब हम दोषपूर्ण हो जाएंगे, जैसे रहेंगे वैसा गुरु तो मिल ही जाएगा ना। ये लोग कहते हैं गुरु हो गया ऐसा, गुरु ऐसा नहीं हुआ है, तुम्हारी जैसी वृत्ति है वैसे तुम गुरु को पकड़ लेते हो। मैं आज बता रहा था कि देखो इस सृष्टि में सारी तरह की आत्माएं भ्रमित कर रही है, सारे तरह के शब्द इसमें गुंजित हो रहे हैं, है ना, गाड़ी ग्लव से लेकर वेद की ऋचाएं तक हैं, है कि नहीं है? और तुम जिस अपने स्टेशन को लगाओ, जिस तरह का खोजो, वह तुमको पकड़ करके टीवी में आ जाता है, दिखाता भी, शब्द भी सुनाता है। तुम उसे बहुत बड़े टीवी हो, तुम्हें बहुत बड़ा एंटीना लगा, ये सब एंटीना है, पूरे वर्ल्ड से पकड़ रहा है, वर्ल्ड ही नहीं, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट्स का वो भी पकड़ रहा है, और तुम देख रहा है। तुम में यदि नकारात्मकता की भावना आ गई, यदि तुम्हें चोरी की भावना आ गई, यदि तुम्हें वासना की भावना आ गई, यदि तुम्हें शराब की भावना आ गई, तो उस तरह की विचारधाराएं तुम्हें प्रवेश कर जाएगी, और उस तरह की आत्माएं तुम्हें प्रवेश कर जाएगा, और तुमको वही काम करा देगा। फिर कहेगा हम तो किए नहीं थे। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का साहित्य आध्यात्म पथ पर चल रहे जनमानुष के लिए प्रकाश स्तंभ है, जिसके मार्गदर्शन में व्यक्ति स्वयं अपने दैहिक, दैविक, भौतिक कष्टों एवं चिंताओं से मुक्त हो सांसारिक एवं आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होता है। अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के विस्तार हेतु सद्गुरु टाइम्स मासिक आध्यात्मिक पत्रिका मंगवाएं और सफलतम जीवन जीने की कला सीखें। गुरुदेव के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी एवं अनमोल साहित्य को प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 0986888680।